तो भाई जैसे कि सबको पता है कि बहुत तेजी से ऑटो सेक्टर है जो बूम कर रहा है, मतलब आए दिन एक नई गाड़ी लॉन्च हो रही है। रिसेंटली टोयोटा ने भी अपनी हाइब्रिड मार्केट के अंदर लॉन्च करी है, वहीं मारुति सुजुकी ने ग्रैंड विटारा लॉन्च करके एक तगड़ा जवाब दिया है। वहीं कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जो पूरी तरह से रेडी है मार्केट के अंदर आने के लिए, लेकिन उनका कोई अपडेट नहीं है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर बात करें टाटा की, टाटा ब्लैक बर्ड के बारे में, तो उसके बारे में बहुत सारी बस है भाई, ये गाड़ी मार्केट में कब आएगी, क्या प्राइसिंग सेगमेंट पे आएगी, गाड़ी आएगी भी या नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे रूमर्स इस गाड़ी के बारे में जो फैलाए जा रहे हैं, तो बात करेंगे इस वीडियो में इस गाड़ी के बारे में। बात करें टाटा के बारे में, तो टाटा भी पूरी तरह से रेडी है अपनी ब्लैक बर्ड मार्केट के अंदर लॉन्च करने के लिए, जो कि बहुत जल्द ही आपको रोडों पे दौड़ती हुई मिल जाएगी। इस गाड़ी के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे स्पेकुलेशन है, बहुत सारे ऐसे रूमर्स है कि गाड़ी मार्केट के अंदर नहीं आएगी इंडिया के अंदर, ये गाड़ी इंडिया के रोडों के लिए बनी ही नहीं है, कंपनी ने कुछ भी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दिया है, ये गाड़ी ओवरसीज लॉन्च होने वाली है, वगैरह वगैरह इस टाइप के जो रूमर्स है अभी भी मार्केट के अंदर फैल रखे हैं। लेकिन वही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये गाड़ी बहुत जल्द आपको मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। इनफैक्ट बहुत जल्दी आप इस गाड़ियों का जो स्पाई शॉट्स है वो भी आप स्पॉट कर लेंगे, क्योंकि ये गाड़ी पूरी तरह से रेडी है मतलब मार्केट के अंदर लॉन्च होने के लिए, और टाटा जो है अपना दबदबा मार्केट के अंदर बनाने के लिए इस गाड़ी के साथ पूरी तरह से तैयार है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई इस गाड़ी के अंदर क्या कुछ चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, लॉन्च डेट कब है गाड़ी की कंफर्म, गाड़ी किस प्राइस रेंज पे लॉन्च होने वाली है, गाड़ी के अंदर क्या कुछ फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, किस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लॉन्च होने वाली है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट गाड़ी की सेफ्टी क्या कुछ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ये कर देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट टाइम इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर कोई भी नई गाड़ी आने के रिगार्डिंग हमारी कोई वीडियो हो तो उसका अपडेट आपको पहले से ही पता लग जाए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। ब्लैक बर्ड का सबसे पहले मैं आपको प्लेटफॉर्म बता देता हूं कि किस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लॉन्च होने वाली है। ब्लैक बर्ड अल्फा आर्क नाम से एक प्लेटफॉर्म है जो कि कंपनी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए मिल जाएगी, गाड़ी के अंदर अच्छा खासा सेफ्टी रेटिंग गाड़ी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहां पे गाड़ी की मैं सबसे पहले डायमेंशंस आपको बता देता हूं कि डायमेंशंस क्या होने वाली है। लेंथ की बात करें तो गाड़ी की 4400 mm की लेंथ होने वाली, विड्थ की बात करें तो 1800 mm की विड्थ होने वाली, हाइट की बात करें तो 1650 mm हाइट होने वाली, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी का 205 mm का होने वाला है। मतलब गाड़ी की लेंथ तो ठीक ठाक ही देखने के लिए मिल जाएगी और गाड़ी का जो लुक है ओवरऑल काफी अग्रेसिव आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक के बारे में, तो ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं जो ये सजेस्ट करती हैं कि टाटा आने वाली ब्लैक बर्ड के अंदर अपना न्यू लोगो भी लॉन्च कर सकते हैं जो कि फ्रंट की ग्रिल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी गाड़ी के अंदर आपको एलईडी में डीआरएल देखने के लिए मिल जाएंगे, प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाएंगे, एलईडी में फॉग लैम्प्स भी आपको गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड में है, अडास टेक्नोलॉजी भी आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। वही बात करें गाड़ी के रेयर प्रोफाइल के बारे में, तो रेयर में आपको स्प्लिट एलईडी टेल लैम्प्स देखने के लिए मिल जाएंगे, डिफॉगर गाड़ी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, रेयर में भी वाइपर देखने के लिए मिल जाएंगे, रेन सेंसिंग अलर्ट गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, गाड़ी के अंदर आपको फेक एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं आ जाते हैं साइड प्रोफाइल के बारे में, तो साइड प्रोफाइल में आपको R15 inches के अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि डुअल टोन में डायमंड कट में रहेंगे। गाड़ी के अंदर आपको हैवी क्लैडिंग देखने के लिए मिल जाएगी जो कि और भी ज्यादा गाड़ी को अच्छा स्पोर्टी लुक देगी, और गाड़ी को और ज्यादा रफ एंड टफ बनाने के लिए गाड़ी के अंदर अच्छी स्टील का यूज करा जा रहा है, अच्छी प्लास्टिक का यूज करा जा रहा है, जिसके चलते मतलब ये गाड़ी जब मार्केट के अंदर लॉन्च होगी तो ऐसे एक्सपेक्टेशन है एनकैप के अंदर 5 star की रेटिंग अचीव कर पाएगी। वही बात करें तो गाड़ी के इंजन के बारे में, किन इंजन के अंदर ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी, 3 engines के अंदर ये गाड़ी आपको लॉन्च देखने के लिए मिल जाएगी। पहले इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर का 4 cylinder टर्बो पेट्रोल इंजन गाड़ी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेकंड इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर का ग्रेविटेक टर्बो डीजल इंजन देखने के लिए मिल जाएगा जो कि 108 bhp और 216 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। वही अगर थर्ड इंजन के बारे में बात करें तो थर्ड इंजन में आपको 1.5 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिल जाएगा जो कि ऑब्वियसली फ्यूल एफिशिएंट रहने वाला है क्योंकि काफी अच्छा आपको माइलेज प्रोवाइड करवा देगा। ट्रांसमिशन की यहाँ पे अगर बात आ जाती है तो ट्रांसमिशन में आपको 6-speed ऑटोमेटिक मैनुअल और DCT गियरबॉक्स गाड़ी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं आ जाती है गाड़ी के फीचर्स के बारे में बात कि भाई फीचर आपको गाड़ी के अंदर क्या कुछ खास देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए गाड़ी के अंदर आपको जो बेसिक फीचर होते हैं कि एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वो तो गाड़ी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बाकी गाड़ी के अंदर आपको वॉइस असिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, पैनोरामिक सनरूफ देखने के लिए मिल जाएगा जिसके अंदर आपको रेन सेंसिंग अलर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा, गाड़ी के अंदर आपको रूफ रेल्स देखने के लिए मिल जाएगी, शार्क फिन एंटीना भी गाड़ी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, इस तरह के जितने भी एडवांस फीचर्स हैं गाड़ी के अंदर आपको सारे के सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात आ जाती है मेन चीज के बारे में कि भाई प्राइस के बारे में बताओ कि किस प्राइसिंग सेगमेंट पे गाड़ी लॉन्च हो रही है। देखिए
11 लाख से स्टार्ट होके गाड़ी 11 से 12 लाख स्टार्टिंग प्राइस जो होगा इस गाड़ी का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब 11-12 लाख रुपए के हिसाब में आपको इतनी बढ़िया गाड़ी देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात आ जाती है भाई गाड़ी लॉन्च कब होने वाली है। देखिए सारी रिपोर्ट से अगर माने, सोर्सेस के अगर माने, तो एक आइडिया मैं आपको दे सकता हूं कि गाड़ी जो है 2023 तक स्टार्टिंग में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी गाड़ी का जो अपडेट है इसी साल के एंड तक गाड़ी का अपडेट आपको पता लग जाएगा कि कंपनी कितना सीरियस है इस गाड़ी के बारे में और कितना सीरियस नहीं है। बाकी अगर राइवल्स की बात करें तो इस गाड़ी का राइवल जो है, तो ये गाड़ी आने वाले टाइम में किया सेल्टोस, क्रेटा, इन गाड़ियों को काफी बढ़िया टक्कर देगी। तो यही था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लगता है वीडियो के अंदर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताना। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसे क्वेश्चन है आपके जिनके ऊपर मुझे पर्टिकुलर वीडियो बनानी चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक अपने घर पर रहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए और अपना ख्याल रखिए।